WPLCN3 के मुकाबले में KM चैलेंजर ने KG टीम को 3 विकेट से हराया। अजीम के छक्के ने मैच का रुख ही पलट दिया। एक समय 1 ओवर में 7 रन चाहिए था, उस समय अजीम ने लंबा हिट मारा, अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचाया। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने उतरी KM चैलेंजर की टीम। KG टीम ने 14 ओवर में 97 रन बनाया। KM चैलेंजर के गेंदबाज काफी अच्छे गेंदबाजी किए, दीपक ने 3 विकेट लिया। जवाबी पारी खेलने उतरी, KM चैलेंजर की शुरुआत खराब रही। अभिषेक कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। लावा रेड्डी ने धुनदार पारी खेली, 42 रनों की पारी खेली। रिकी मार्टिन ने लिया ऐसा कैच जो मैच में वापसी कर दिया। शानदार कैच लपक कर अपने टीम को खुशी जीत के करीब पहुंचाया। रिकी मार्टिन के कैच से चीकू खान काफी खुश, टीम ऑनर जो चीकू खान काफी खुश हुए। ऐसा कैच जो मैच में वापसी ला दी, शानदार कैच रिकी मार्टिन के द्वारा। और यहाँ पर जश्न मनाते हुए स्टार्ट के तो बाहर से आ रहे हैं, और हम क्योंकि मेरा सपना था क्रिकेटर बनने का, वो मैं बन सका नहीं, हालात कहीं और पहुंचा दिया। वही देखता हूँ, क्रिकेट देखता हूँ और अपना शौक पूरा करता हूँ। अब सोचता हूँ कुछ सेकंड इकबाल खान जो पूरे जोश से क्रिकेट खेले, जैसे हम जोश से खेलते थे, बंगाल में भी जाके काफ़ी टीम से खेले हैं, कोई बने और वो नजर आता हमको सबके अंदर जोश। दीपक है आपका WPLCN3 फेवरेट प्लेयर कौन है जिसपे आप जान निसार करते हैं? दीपक आपका स्टार प्लेयर है? स्टार प्लेयर, जैसे हम जोश से खेलते हैं वो भी उसी तरह जोश से खेलता है। आप WPL बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, इसका फ्रेंचाइजी बना और QMC रोड टीम बनाया मैंने, और आज की जो मैच हुई है बहुत बेहतरीन मैच हुई है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि कांटे की टक्कर होगी, दोनों तरफ की टीम के प्लेयर का और सपोर्टरों का धड़कन तो कुछ देर के लिए रुक ही गया था, और काफी हम मैं भी टेंशन में आ गया था, लेकिन हम लोगों ने विश्वास नहीं खोया और जब टीम ने खेली, और सबसे इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरे सभी प्लेयर के और कैप्टन को भी, जो कि सब सूझबूझ कर और बहुत बेहतरीन